Okay, great. Today we will be concluding 11th chapter. हमने 11th chapter को discuss कर लिया था, I guess, personnel management system तक. इसके दो systems रह गए हैं, integrated system और ERP. We will complete it and then we will jump to the past paper discussion of this chapter. और इसके हम कुछ important past paper के questions को review करेंगे. What type of questions have been appeared so far and what was the examiner's point of view regarding IT. IT में से जैसे पहले भी discuss किया हमने कि एक 15 marks का जो question है वो mandatory है, वो लाजमी आता है. There is always a question of 15 marks from this chapter. It depends कि how do you take up that question, how do you understand that question and attempt it. Question straightforward ही होता है, कोई में इतनी चीजें जो हैं वो ट्रिकी नहीं होती. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर विद अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक. मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट. इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? इंटीग्रेटेड बेसिकली हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी यूज़ करती हैं. एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एचआरआईएस यूज़ करता है, इसी तरह जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के टीपीएस के थ्रू एफआरएस. इसी तरह ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ करता है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. सो बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन वे टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के हम इन तमाम सिस्टम्स को कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं, कैसे आपस में इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाउ कैन वी ब्रिंग दीज सिस्टम्स टुगेदर? इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम. इंटीग्रेटेड सिस्टम इज वन ऑफ दोज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पेपर में दो दफ़ा टेस्ट हो चुका है. नहीं, एक दफ़ा ही हुआ, आई गेस एक दफ़ा ही हुआ. एग्जैक्टली, इट हैज बीन टेस्टेड वंस.
इंटीग्रेटेड सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि सारे के सारे मॉड्यूल्स को कन्वर्ज कर देता है. इट ब्रिंग्स ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर. इट ब्रिंग्स ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर. ये बिजनेस के सारे मॉड्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है. फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस का इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होगा ये बाकी सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा. अकाउंट पेबल कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल, एक्रूवल्स, बैंक एंड कैश, इन्वेंट्री, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है, मतलब आप गौर फरमाएं तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी एक्सेस हो रहा है फाइनेंस सिस्टम से, इधर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम भी एक्सेस हो रहा है फाइनेंस सिस्टम से, इधर आपका जो परचेज सिस्टम है वो भी एक्सेस हो रहा है फाइनेंस सिस्टम से. तो जो आपका फाइनेंस सिस्टम है ये आपका बेसिकली इन सारे सिस्टम्स को लिंक कर देता है, कनेक्ट कर देता है. इट इज कनेक्टिंग ऑल द सिस्टम्स टुगेदर. इसी तरह अच्छा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बर्ड्स आई व्यू दे देता है. लाइक एक जगह पे बैठ के या एक जगह से कंट्रोल करके, एक जगह से मुराद है एक इंटरफेस से कंट्रोल करके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं. एक एंट्री पास करेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पे आ जाएगा. यू विल पास वन एंट्री एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. बेटर इन्फॉर्म डिसीजन आ जाते हैं आपके सामने. स्क्रीन शेयर है मेरी बेटा, आपके सामने नहीं आ रही स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? बाकी लोग, एनीवन एल्स, कैन यू सी इट? स्क्रीन इज शेयर्ड, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है. ठीक है, आप अपना नेट का कनेक्शन चेक कर रहे हैं, दोबारा आप कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है. बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस, इट गिव्स यू बेटर डिसीजंस. अल्टीमेटली एफिशिएंट ऑपरेशंस पैदा होते हैं वंस योर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड. दैट विल लीड टू मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होगी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी. इंटीग्रेटेड सिस्टम हैं, आते हैं. ड्रॉबैक्स भी हैं इसका, रिस्क ज्यादा होता है. अगर एक मॉड्यूल फेल हो गया तो वो पूरा सिस्टम फेल कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी जस्ट चेक माय इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट अ मोमेंट. जी अब बेहतर है आवाज, बेटर ना? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करेगा फिर, आपके जो सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको क्रैश कर देगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, अगर लेट्स से सेल्स का मॉड्यूल खराब होता है तो इसका इंपैक्ट सारे मॉड्यूल्स पे आएगा और सारे मॉड्यूल्स को क्रैश कर देगा. मोर कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर मोर प्रोन टू एरर. नो प्रॉब्लम बेटा, निशा, नो इशू एट ऑल. हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम से डिस्कशन करनी शुरू की है. इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने और ईआरपी, ये दो सिस्टम रह गए हमारे. इंशाल्लाह वी विल बी वाइंडिंग देम अप टुडे. इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करते हैं, सारे के सारे बिजनेस के जो भी फंक्शंस के इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं. दे ब्रिंग देम टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेट करवा देते हैं आपस में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया हुआ है आपस में. पेबल्स, रिसीवेबल, एक्रूवल्स, इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल्स. बेनिफिट क्या होते हैं, कंप्लीट व्यू मिलता है, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं, ऑपरेशन एफिशेंट हो जाते हैं. एक जगह पर एंट्री करेंगे उसका इम्पैक्ट हर सिस्टम पर आ जाएगा, बजाय इसके कि आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजें, आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दें. तो वैन यू विल जस्ट यूज इट टू अपडेट द इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली फिर उसको अपडेट कर दे. रिस्क ज़्यादा हो जाता है, इट देर इज ग्रेटर रिस्क. अगर एक मॉड्यूल फेल होगा तो बाकी मॉड्यूल भी फेल हो जाएंगे.
कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, ग्रेटर लेवल ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली आईडी की सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पेपर में इसके ऊपर इसके डेफिनेशन और इसके मतलब एडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी हम देखते हैं। आखिरी सिस्टम है ईआरपी। ईआरपी जो है ये क्रॉस फंक्शनल सिस्टम होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ईआरपी के बैकएंड पे अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड सिस्टम ही काम कर रहा होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ईआरपी जो है ये फ्रंट है और इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है ये उसकी बैकबोन है। इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है, आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और उसको हम ईआरपी के थ्रू मैनेज करते हैं। ईआरपी कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को, रियल टाइम कोर बिजनेस प्रोसेस का व्यू देता है। ईआरपी गिव्स रियल टाइम व्यू ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सिस्टम्स, ये सारे के सारे वो आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिसको आप ईआरपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। ईआरपी सिस्टम जो हैं ये बिजनेस रिसोर्सेज को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ट्रैक योर कैश रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और ईआरपी जो है ये आपकी कमिटमेंट्स को भी ट्रैक करते हैं, फ्यूचर कमिटमेंट्स को और हिस्टोरिकल कमिटमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल आपने कितने सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज किया है, कितनों से रह गया है, आपने कितने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बियर कर ली है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, या फिर आपने फ्यूचर कमिटमेंट को कि आप आने वाले कल में कितनी एम्प्लॉय कॉस्ट बियर करेंगे, कस्टमर ऑर्डर्स की कमिटमेंट क्या है। इसी तो ईआरपी जो हैं इनके दो फायदे होते हैं, एक बिजनेस रिसोर्स ट्रैकिंग और एक कमिटमेंट ट्रैकिंग। बिजनेस रिसोर्स ट्रैकिंग इज टू नो अबाउट वट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, वट आर द डायमेंशन ऑफ बिजनेस विच यू आर हैंडलिंग, विच यू आर ट्रैकिंग, विच यू आर टैकलिंग। एंड सेकेंडली बिजनेस कमिटमेंट ट्रैकिंग इज कि आपके परचेज ऑर्डर्स, एम्प्लॉई कॉस्ट, कस्टमर ऑर्डर्स, आपके सप्लायर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं इनका स्टेटस क्या है एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी मैनेज्ड, इन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, सो ट्रैकिंग इज परमानेंटली अपडेटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट दैट एंटर्ड द इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई वी कॉल एंटरप्राइज। जैसे ही किसी एक डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आती है उसी वक्त सिस्टम आपका अपडेट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू के वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर डज द इंफॉर्मेशन हैज कम। ठीक, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हेल्प आउट करती हैं इन ऑर्डर टू मेक योर बिजनेस मोर प्रोफिशिएंट, मेक योर बिजनेस मोर हेल्पफुल। ठीक है ना, सो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हमारा 11th चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। हियर वी कंक्लूड आवर 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में हमने इसका एक क्विक रीकैप देख लें। इस चैप्टर में हमने ब्रॉडली पांच एरियाज को एड्रेस किया है, जिसमें से पहला जो एरिया था आपका दैट वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स, आपके जो बेसिक सिस्टम्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, वॉट इज़ अ कंप्यूटर, वट आर द की डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर। फिर इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस किया, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं पेपर में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज की बात की, वी टॉक्ड अबाउट इनपुट डिवाइसेज, वी टॉक्ड अबाउट आउटपुट डिवाइसेज, वी टॉक्ड अबाउट स्टोरेज डिवाइसेज। ये सारी डिवाइसेज पेपर में मल्टीपल टाइम्स अपेयर हो चुकी हैं, दोबारा भी अपेयर हो सकती हैं, दे कैन अपेयर अगेन। कीबोर्ड्स की टाइप्स, फिर आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, हर एक के इनपुट डिवाइसेस के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है पेपर में, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कोई से। मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनका एक एक बेनिफिट और एक एक ड्रॉबैक लिस्ट करना था, सो दैट वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो ये पहला पोर्शन जो है ये आपका स्टोरेज डिवाइसेस तक है, यहाँ तक। दूसरा पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है हेडिंग 1.6 से, विच टॉक्स अबाउट नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, लैन वैन, ये तमाम चीजें। ठीक है, तीसरा पोर्शन जो है वो आपका स्टार्ट होता है ITIS से, जहाँ पे हम सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं, वी रीड द सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है, सिस्टम थ्योरी कैसे काम करती है,
हायरार्की ऑफ सिस्टम्स, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फिर कंट्रोल सिस्टम्स, यहाँ तक सिस्टम थ्योरी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की टाइप्स और इंफॉर्मेशन के रोल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इट इंक्लूड ऑल्सो डेटा प्रोसेसिंग एज वेल, ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका है पेपर में, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल यू हैव 10 आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये 10 हैं, इनमें से 3 पेपर में दो दफ़ा आ चुके हैं, बाकी 3 एक एक दफ़ा आ चुके हैं, तो 9 दफ़ा पेपर में, यानी हर अटेम्प्ट में पेपर में ये वाले क्वेश्चन अपेयर हो चुके हैं, ठीक। सो दीज आर 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में से 10 चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया। सो इन द अटेम्प्ट ऑफ सितंबर 18, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा था। लेट मी जस्ट पुल अप द क्वेश्चन पेपर एज वेल। इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा था, ओके जी ये पूछा था जी एग्जामिनर ने, इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस हाउ मैनेजमेंट मे यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। 5 रोल्स हैं, 3 रोल्स पूछे उसने, प्लानिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, 3 मार्क्स। स्ट्रेट क्वेश्चन, बैच प्रोसेसिंग में पहले आप ट्रांजेक्शन का बैच बनाते हैं, फिर पूरा बैच एक सिंगल टाइम पे प्रोसेस करते हैं रियल टाइम में, एज सून एज द ट्रांजेक्शन अकर्स प्रोसेस हो जाती है। बैच प्रोसेसिंग के सिस्टम सिंपल होते हैं, चीपर होते हैं, रियल टाइम के सिस्टम महंगे होते हैं। बैच प्रोसेसिंग के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट अवेलेबल नहीं होती। नहीं बेटा जान, टाइप्स नहीं लिखनी इसमें, आपने रोल्स लिखने हैं। लुक एट द क्वेश्चन, रोल्स बताने हैं। ये देखें, ये पूछा हुआ उसने, उसने आपको रोल्स के नाम दे दिए, उसने प्लानिंग का नाम दे दिया, उसने कंट्रोलिंग का नाम दे दिया और उसने परफॉर्मेंस मेजरमेंट का नाम दे दिया। ये 3 रोल्स लिखने हैं आपने, ये डिस्क्रिप्शन देनी है आपने बेसिकली, आपको डिस्क्राइब द 4 मार्क्स, ठीक। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द 3 डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम्स को डिफाइन करें और 3 एडवांटेजेस देने, 4 मार्क्स। और इसी के अंदर 6 अंडरलाइंग मॉड्यूल्स को लिस्ट करना है, सिर्फ नाम देने हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिस्टम के, 3 मार्क्स। ये जो भी हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम डिस्कस किया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हियर इट इज, यू हैव टू डिफाइन इट। पहले डिफाइन करना, ये डेफिनेशन दी और इसके एडवांटेजेस दे दिए यहाँ से, और फिर ये 6 मॉड्यूल्स, आपके बुक में कितने मॉड्यूल्स हैं, 7 मॉड्यूल्स दिए हैं, कोई से 6 लिखने हैं। सेफर साइड यू विल राइट ऑल 7 ऑफ देम, सेफ साइड आप 7ों के 7ों लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर, जस्ट इमेजिन ये टोटल कितने मार्क्स हुए, 7 + 7, 14 मार्क्स आए इसमें से। तो 14 मार्क्स वर कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। इसी तरह मार्च 18 का पेपर देखें, मार्च 18 में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए था, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे, ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और यहाँ से क्वेश्चन था स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, 8 का पार्ट बी था, पहले प्राइमरी सेकेंडरी और शायद ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस पे क्वेश्चन आया था। तो 8 पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों क्वेश्चन मार्च में आए थे। उससे पीछे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए था, एग्जैक्टली क्योंकि कंटेंट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कंटेंट के अंदर भी उसने कई सिनेरियोस नहीं दिए हुए, कोई एग्जांपल्स नहीं दी हुई, इस पूरे चैप्टर में एक भी एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंटेंट स्ट्रेट है तो फिर क्वेश्चन भी स्ट्रेट आएगा। इनफैक्ट नॉट, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस चैप्टर ओनली, ये जो आपका पॉइंट है बेटा निसा, ये बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी वैलिड है। दूसरे चैप्टर में भी अगर आप देखें तो जिन जिन टॉपिक्स का कॉन्टेंट स्ट्रेट है उसमें से क्वेश्चन भी स्ट्रेट आता है। जिन जिन चैप्टर्स में कुछ कंटेंट अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, घूमे फिरे हैं, तो फिर क्वेश्चन भी उसमें से सिनेरियो बेस्ड आता है, ठीक है। यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक टू एवरी चैप्टर एज वेल।
यहाँ से एक्सपर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। देखिए एक्सपर्ट सिस्टम दो दफा आ चुका है पेपर में, और दोनों दफा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट यही था। इधर ये आया था मार्च 17 में, और इधर ये आया था सितंबर मार्च 16 में शायद। दिस इज सितंबर 17, सितंबर 17 में एंड मार्च 16 में, ठीक सेम क्वेश्चन था। एनी तो 10 का पार्ट है एक्सपर्ट सिस्टम का था। 10 का पार्ट बी जो है ये लैन और वैन का डिफरेंस पूछा था एग्जामिनर। दिस वाज डिफरेंस ऑफ लैन एंड वैन। और क्वेश्चन नंबर 11 कंट्रोल सिस्टम पे किया था एग्जामिनर ने। तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहले पार्ट में एलिमेंट्स पूछे थे कंट्रोल सिस्टम पे 5 मार्क्स, और दूसरे पार्ट में डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया था ओपन सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को। सो दिस वाज इन सितंबर 17। मार्च 17 में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए था ईआईएस के ऊपर, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए ईआईएस पे था। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी इनपुट डिवाइसेस पे था। दिस वाज द क्वेश्चन ऑन ईपीओएस, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये ईपीओएस के ऊपर था। ईपीओएस जो हमने इनपुट डिवाइसेस में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दिस वाज द क्वेश्चन ऑन ईपीओएस। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट जो जो 11 है ये लैन और वैन पे था। दिस वाज द डिफरेंस ऑफ लैन। हाँ ये जो 10 का पार्ट बी था ये यूजेस आए थे नेटवर्क्स के, सॉरी ये लैन वैन नहीं था, लैन वैन यहाँ पे है। दिस वाज द यूजेस ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के यूजेस क्या होते हैं, एंड दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। और 11 का पार्ट बी था डेटा एंट्री प्रोसेसिंग के ऊपर। अब ये गौर फरमाए, द ओनली टॉपिक विच हैज बीन टेस्टेड 4 टाइम्स इन द पेपर। वही टॉपिक जो पेपर में 4 दफा टेस्ट हो चुका है वो डेटा एंट्री है और डेटा प्रोसेसिंग है। देख रहे हैं दिस सितंबर 18, देन मार्च 17, मार्च 16 एंड देन मार्च 15। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। इससे पीछे मूव करें तो जून सॉरी सितंबर 16 में, सितंबर 2016 में ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पे क्वेश्चन था। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन दिस। और इनपुट डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन था। देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या था जी, इसमें आपको उसने वही जो मैंने आपको बताया था कि कोई से 6 इनपुट डिवाइसेस का एक एक बेनिफिट एक एक ड्रॉबैक पूछा गया था। यू वर गिवन कि क्वेश्चन ये था कि जी कोई से 6 इनपुट डिवाइसेस का एक एक बेनिफिट बताएं, एक एक ड्रॉबैक बताएं। तो इनपुट डिवाइसेस पे सवाल था। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पीछे मूव करें तो मार्च 2016 में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ये था एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम की प्री कंडीशंस पूछी थी, और यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पूछे थे। तो ये डिफरेंस था क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए में एग्जामिनर ने एक्सपर्ट सिस्टम की प्री कंडीशंस पे क्वेश्चन किया था, जो कि ये हैं द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम हियर, कि एक्सपर्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले क्या कुछ होना चाहिए। सो दीज आर द प्री कंडीशंस, ये क्वेश्चन किया था एग्जामिनर ने। और उससे पीछे अगर मूव करें मार्च 2016 में, तो एक्सपर्ट सिस्टम को डिफाइन करने को कहा था और उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पूछे गए थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस हिडन, तो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली एंड अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर मार्च 2016 में, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए था अगेन डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन। सितंबर 2015 में इंटीग्रेटेड सिस्टम पे सवाल आया था, और इंटीग्रेटेड सिस्टम पे सवाल भी दोबारा भी आया है, ठीक है। सो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम दो दफा टेस्ट हो चुका है, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम भी दो दफा टेस्ट हो चुका है एज आई जस्ट टोल्ड यू, और तीसरा सिस्टम जो दो दफा टेस्ट हुआ है वो एक्सपर्ट सिस्टम है ये वाला। तो ये आप रो वाइज भी देख सकते हैं, यू कैन वेरी फेयरली सी रो वाइज
ये रो वाइज आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी दफा आया है। इधर इंटीग्रेटेड सिस्टम के एग्जामिनर ने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपसे पूछे थे उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन किया था इंटीग्रेटेड, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन किया था उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के ऊपर। इंटीग्रेटेड सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो यहाँ उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर, डिफाइन द टर्म सिस्टम आर्किटेक्चर। और यहाँ फिर क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइसेस पे किया था, प्राइमरी सेकेंडरी ऑफलाइन। मार्च 2015 में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे सवाल किया था, अगेन डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन किया था। इधर एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था नेटवर्क्स की टाइप्स के ऊपर, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के ऊपर, ये क्वेश्चन था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। दिस इज 1 मिनट, ये है मार्च 2015, 10 का बी, लेट मी पुल अप दिस क्वेश्चन। मार्च 2015, 10 का बी पार्ट, ओके जस्ट अ मोमेंट। मार्च 2015, टू सी पेपर कहाँ पड़ा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द पेपर। सर चेक कर दीजिएगा, ये जो है ना क्वेश्चन, मुझे डाउट है ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के ऊपर है, मैंने इसको यहाँ पे नेटवर्क के अंदर पुट किया हुआ है। एक मिनट रुकें, आई गेस आई हैव इट, आई गेस आई हैव इट, चैप्टर नंबर 11, हाँ ना, ये क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क, स्पेसिफाई एनी टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, उसके यूजेस हैं। अब ये भी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, अगर आप गौर करें अपने टॉपिक के अंदर तो टॉपिक में वर्ड एडवांटेजेस नहीं है, वर्ड यूजेस का दिया हुआ है नेटवर्क के अंदर। लुक हियर, यहाँ पे यूजेस की बात की जा रही है। तो ये यूजेस बेसिकली उसके एडवांटेजेस ही हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डिवाइस शेयरिंग कर सकते हैं, यू सी। सो यस, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, ये नेटवर्क का सवाल था। एग्जैक्टली, इट वाज अ नेटवर्क क्वेश्चन। ओके, 10 का भी थोड़ा और मूव करें नीचे, 5 एंड 10 आई गेस। हाँ, फिर एक ये भी क्वेश्चन था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, क्वेश्चन दिया गया था, इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी आपको स्टेटमेंट दी गई थी और कहा गया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग करें। इसी पेपर में ये देखें, ये क्वेश्चन था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक तरफ डिवाइसेस हैं और एक तरफ यूजेस हैं, और मैच करने को कहा गया। सिर्फ मैं जैसे मॉनिटर का यूज़ किया है विजुअल आउटपुट, बारकोड्स का यूज़ किया है एफिशिएंट इन्वेंट्री, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग किया है ग्रेडिंग ऑफ एमसीक्यूज, एमआईसीआर का यूज़ किया है सिक्योर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, डिजिटल कैमरास का यूज़ किया है रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन, टच पैड्स का यूज़ किया है ऑपरेटेड एट ऑपरेटिंग एटीएम मशीन, ठीक है ना। तो ये सारे यूजेस दिए गए आपको।
थ्री मार्क्स, ये भी क्वेश्चन इसी में था। आप जो पहली अटेम्प्ट थी बीएमबीएस की, उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं उसमें पर्सनल सिस्टम पे क्वेश्चन आया था, एचआरआईएस पे 11 क्वेश्चन, मेरी 11 था पेपर का। और इसमें एग्जामिनर ने क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन किया था और लैन एंड वैन का डिफरेंस पूछा था। एग्जैक्टली क्वेश्चन वाज ऑन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एंड देन लैन और वैन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई गेस दिस क्वेश्चन वाज ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन जो है ये सिस्टम आर्किटेक्चर में था। डिफाइन द टर्म सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके सो यू कैन वेरी फेयरली सी के 11 चैप्टर को अभी तक पेपर में किस तरह एग्जामिनर ने मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट करने की कोशिश की है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू सी कि आपने इसको भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है। ऑल राइट, सो हियर वी कंक्लूड आवर 11 चैप्टर। यहाँ से अब जो हमारी डिबेट है वो स्टार्ट होगी 6 चैप्टर के ऊपर। 6 चैप्टर को हम आज इंट्रोड्यूस कर लेंगे थोड़ा सा, इसे हम इंशाल्लाह डिटेल में तफसील में कल से पढ़ेंगे। टुडे वी विल इंट्रोड्यूस इट। सेकंड पोर्शन का टेस्ट हम नेक्स्ट वीक में करेंगे इंशाल्लाह। इट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ऑन वेंसडे को, फिर भी मैं मंडे को मैं डेट अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, सो वी विल डू इट ऑन वेंसडे प्रोबेबली। ओके जी, एम्प्लॉई बिहेवियर, सिक्स चैप्टर इज ऑन बिहेवियर। बिहेवियर्स क्या होते हैं? इस चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, परसेप्शन, एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब चॉइस। परसेप्शन सबसे बुनियादी फिनोमेना है। परसेप्शन कहते हैं देखिए आप दुनिया को कैसे समझते हैं, हाउ डू यू गिव अ मीनिंगफुल पिक्चर टू द वर्ल्ड अराउंड यू। आप दुनिया को एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसे देते हैं, आपकी परसेप्शन कहलाती है। परसेप्शन से आपके एटीट्यूड निकलते हैं और एटीट्यूड से हमारे बिहेवियर निकलते हैं। बिहेवियर वर्क प्लेस पे दो किस्म के होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपका बिहेवियर है और जॉब स्ट्रेस भी आपका बिहेवियर है। दे आर टू वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स। बिहेवियर कहते हैं आपके एक्शन को। तो हमारे जो एक्शन होते हैं ये हमारी सोच पे डिपेंडेंट होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन आर थॉट प्रोसेस दैट हाउ डू वी थिंक एंड वट डू वी थिंक। तो हमारे जो जो थॉट प्रोसेस है हमारा, ये डिटर्मिन करता है हमारे एक्शंस को। ठीक है ना, इट डिटर्मिन आवर एक्शंस कि हम क्या सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं। क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं वाले प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन कहते हैं बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक मीनिंगफुल पिक्चर देते हैं। सेंसरी इंप्रेशन से हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं एंड वी गिव अ मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन वो प्रोसेस है जिससे हम दुनिया के साथ एक मतलब जोड़ते हैं, वी अटैच अ मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन प्रोसेस में आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। उसके तीन स्टेजेस होती हैं, जाके जाके पढ़ेंगे। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन मीन्स इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस से आप तक पहुंचाई जाती है। परसेप्शन के बैक एंड पे हमारी सेंसेस काम कर रही होती हैं। यू विल नेवर परसीव इफ यू आर नॉट एबल टू सेंस। पहले सेंस करते हैं फिर परसीव करते हैं। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टचिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सारी हमारी बुनियादी हिस्से हैं। ये हिस्से आपकी एक्टिव होती हैं तो दे मेक यू अंडरस्टैंड एंड दे मेक यू वर्क। परसेप्शन से हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं, लेकिन उससे पहले एटीट्यूड भी आता है। तो बिफोर यू परसीव, बिफोर यू बिहेव, यू डेवलप एन एटीट्यूड। बिहेवियर से पहले आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। जिस तरह दुनिया में दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, इसी तरह दुनिया में दो इंसानों की परसेप्शन नहीं मिलती। ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो परसेप्शन है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द सिचुएशन के एन अकॉर्डिंग हो। हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और है और आप उसे किसी और वे में परसीव कर रहे हैं। यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, जिसकी वजह से फिर वेरिएशंस पैदा होती हैं थॉट प्रोसेस की। तो हमारी जो परसेप्शन है दैट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच वी हैव। हमारे मोटिव्स क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, कल्चर क्या है हमारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे पीपल यू नो ड्रिंक अल्कोहल वेरी कंफर्टेबल। अब मैं जब वहाँ गया तो इट फेल्ट ऑड टू मी कि जिस रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं। ठीक है, अब वो वहाँ पे रहने वालों के लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है क्योंकि उनके बिलीफ का हिस्सा है, उनके कल्चर का हिस्सा है।
बट इफ आई वॉज देयर, तो ऑब्जेक्ट वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन मेरे लिए वो ऑड है. ठीक है. इनफैक्ट व्हेन आई वेंट, अच्छा अब यहाँ पे आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, इनफैक्ट जब मैं जहाज में ट्रेवल कर रहा था अमेरिका भी, जब मैं जा रहा था पीछे 2-3 हफ्ते पहले, तो एयर होस्टेस केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, जूस और वाइन. ठीक है. मतलब ऐसे मुड़ के देखा कि भाई मेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं वाइन पीता हूँ. मतलब बट स्टिल, क्योंकि वो एक अमेरिकन फ्लाइट थी. ठीक है. तो उनके लिए अपने कस्टमर से या अपने पैसेंजर से ये पूछना मैंडेटरी है. अच्छा, अगर वो यही क्वेश्चन किसी गोरे से करती तो ही और शी कुड हैव रिस्पॉन्डेड वेरी कंफर्टेबली. आई फेल्ट दैट क्वेश्चन वेरी ऑड. ठीक है. वाई? बिकॉज उसकी परसेप्शन और है, मेरी परसेप्शन और है, उसके बिलीव्स और है, मेरे बिलीफ और है, उसकी एक्सपेक्टेशंस और है, मेरी एक्सपेक्टेशंस और है, उसके मोटिव्स और है, मेरे मोटिव्स और है. इसी तो परसेप्शन बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है. फैक्टर्स जो है दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स. हाँ एग्जैक्टली. ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यही परसेप्शन है ना, कि आप जिस तरह किसी एक चीज को एक मतलब दे रहे हैं, क्या दूसरा भी उस चीज को वही मतलब दे रहा है? इफ यू आर गिविंग समथिंग अ मीनिंग और अ मैसेज, वेदर और नॉट द अदर इज ऑल्सो गिविंग द सेम मीनिंग और द सेम अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे इशू ही परसेप्शन का होता है. आपको लग रहा होता है मैं सही हूँ, किसी और को लग रहा होता है. इसीलिए हम कहते हैं ना कि फिर हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए. वो कहते हैं ना किसी की जगह पे अपने आप को रख के सोचना, इसका मतलब यही होता है कि आप किसी का इस तरह परसीव करने की कोशिश करते हैं जिस तरह दूसरा परसीव कर रहा हो. तो यू ट्राई टू बिहेव लाइक द वे अदर इज बिहेविंग. आप अपने आप को किसी और की जगह पर रख के सोचते हैं ना, तो यू ट्राई टू बिहेव लाइक द वे अदर इज बिहेविंग. तो परसेप्शन को डिटरमिन करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेप्चुअल प्रोसेस के ऊपर. स्टेजेस ऑफ परसेप्शन क्या होती हैं? परसेप्चुअल प्रोसेस की 3 स्टेजेस होती हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. सिलेक्शन से मुराद ये है वो तमाम हमारी सेंसेस जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाती हैं, वी यू नो रिएक्ट टू द इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस, टच, टेस्ट, साइट, साउंड, स्मेल. ये सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, ये हमारी सिलेक्शन है. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम मेंटली अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को. वो स्टिमुलाई जो हमने इंफॉर्मेशन जिससे एक्वायर की होती है, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने. और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में फिर हमारा जो प्रायर बिलीफ सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, वो फिर यहाँ पे इंटरेक्ट करता है उसे इंटरप्रेट करने में. सो जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, दैट इज सब्जेक्टिव, विच इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, नीड्स, इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अदर पर्सनल फैक्टर. सो मैनी फैक्टर्स डिटर्मिन हाउ डू वी इंटरप्रेट द मैसेज. लेकिन दो वर्ड हैं, एक है सेंसेशन और एक है परसेप्शन. सेंसेशन सबकी कॉमन है. गर्म स्त्री को हाथ लगा लें, टच हॉट आयरन, तो एकदम आपका हाथ भी जलेगा, किसी और का हाथ भी जलेगा. जो हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं अपने दिमाग में यूजिंग द 5 सेंसेस, वो सबकी कॉमन है. एक पीस ऑफ म्यूजिक है, बड़ा लाउडली बज रहा है, आपकी भी सेंसेस उसे सेंस कर रही है, मेरी भी सेंसेस उसको सेंस कर रही है. कान दोनों के पास है, दोनों के कानों में वो म्यूजिक जा रहा है. आपको बड़ा पसंद आ रहा है, मुझे नहीं, वैसे मुझे शोर लग रहा है, क्योंकि हमारी परसेप्शन डिफरेंट है. ठीक है ना. जो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कॉमन है सबका. अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे सामने 8 लोग बैठे हुए हैं, सबके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, और सबके ईयर ड्रम्स, सबका जो मेंटल प्रोसेस है ना सुनने का, वो सबका सेम है. लेकिन फिर भी किसी को मेरी बात बेहतर समझ रहे आ रही होगी, किसी को मेरी बात में कोई प्रॉब्लम लग रही होगी. वाई? बिकॉज परसेप्शंस आर डिफरेंट. सी, सो देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग आवर 5 सेंसेस, बट देर आर इन्फिनिट नंबर्स जिसके थ्रू हम उसको परसीव करते हैं. परसेप्शन डिफरेंट होती है. जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें, 3 दोस्त बैठे हैं, किसी ने एक जोक क्रैक किया. अब वो जोक किसी एक के लिए तो बड़ा फनी था, लेकिन हो सकता है कोई और उसको सुन के ऑफेंसिव हो जाए, गुस्से में आ जाए. दो लोग एक ही फूड डिश खा रहे हैं, किसी एक को बड़ी पसंद आएगी और किसी एक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. दो लोग एक ही पीस ऑफ म्यूजिक सुन रहे हैं, एक को बड़ा पसंद आएगा और एक को डिस्टर्बिंग लगेगा.
इसी तरह जब आप किसी बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि बिल्डिंग बड़ी हो रही है, हालांकि बिल्डिंग बड़ी नहीं हो रही, बिल्डिंग उतनी है, आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना? आपकी जो परसेप्शन है वो चेंज हो रही है। वर्क एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारी परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है मैनेजर के नज़दीक फाइनेंशियल रिजल्ट जो हैं वो हाई अचीव करना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल आपके लिए, क्योंकि वो उसे और तरह से परसीव कर रहे हैं, आप उसे और तरह से परसीव कर रहे हैं। तो परसेप्शन दुनिया में दो डिफरेंट लोगों की मुख्तलिफ ही होगी, कॉमन नहीं हो सकती। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान हर किस्म की इंफॉर्मेशन को परसीव करे। इसके लिए हम एक फिर प्रोसेस यूज करते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का। व्हाई हाउ पीपल हैव फ्यू स्टिमुलाई गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन एनी अदर स्टिमुलाई। इसे कहते हैं परसेप्चुअल। आपको प्यास लगी हुई है, लेट्स से आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपकी तवज्जो जो है वो बाय डिफॉल्ट किसको ढूंढेगी? ग्रॉसरी स्टोर को ढूंढेगी, क्योंकि इसे जाके आप पानी पी लें। इसे कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। आपने आजकल मोबाइल लेना है, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू मोबाइल फ़ोन, तो आप गुजरते हुए बोर्ड पे हमेशा नए मोबाइल फ़ोन ही ढूंढेंगे कि अच्छा आजकल कौन सा नया मोबाइल फ़ोन आया है, सैमसंग का या लेट्स से किसी और कंपनी का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। हम सिलेक्टिव हो जाते हैं अपनी परसेप्शन के अंदर। बहुत सारे फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी सिलेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब सड़क पे बीसियों गाड़ियां गुजर रही हैं, रोड के ऊपर बीसियों गाड़ियां जो हमें गुजर रही होती हैं, लेकिन आपकी तवज्जो जो है वो सिर्फ बीएमडब्ल्यू पे क्यों पड़ती है? आपका ध्यान सिर्फ बीएमडब्ल्यू पे क्यों जाता है? क्योंकि परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी है वो यूनिक है थोड़ी सी, ठीक है ना? सड़क पे इतने सारे लोग चल रहे हैं, एक बंदा जिसने बड़ा ऑड फैशन किया हुआ है वो सबसे पहले आपकी तवज्जो में आएगा। यू विल लुक दैट पर्सन एट दैट पर्सन वेरी क्विकली, क्योंकि वो बाकियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो बाकियों से मुख्तलिफ है, ठीक है ना? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सड़क पे बिल्लियाँ कुत्ते बहुत फिर रहे होते हैं, वी नेवर बॉदर। जस्ट इमेजिन कभी एक शेर आ जाए रोड के ऊपर, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। Sorry for the interruption. I was telling you कि इसी तरह मतलब you can have so many examples of perceptual selectivity. सड़क पे आप जब निकलते हैं तो you can see on the roadside, you can see you know dogs and cats walking and you never bother. लेकिन अगर just imagine चीता वहाँ पे घूम फिर रहा हो तो आपका क्या reaction होगा? What would be your reaction? You see? तो ये है perception. इसे कहते हैं perceptual selectivity. हम इतने सारे स्टिमुलस को एनकाउंटर करते हैं कि हम हर स्टिमुलस को रिएक्ट नहीं कर सकते। रिसर्च कहती है कि एक इंसानी दिमाग जो है वो एक वक्त में 5,000 मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। एवरीवन विल बी फॉर देम। देयर आर टू फ्रेंड्स ना, दे आर गोइंग वॉकिंग इन अ जंगल, तो सडनली दे सॉ अ लायन। तो वो एक दोस्त बैठ के ना अपने जॉगर्स के लेसेस बंद करने लग जाता है, तो सेकंड फ्रेंड आस्क्ड हिम, डू यू थिंक यू कैन रियली रन फास्टर देन द लायन? वो कहता है, हु हैज टू रन फास्टर देन लायन? आई हैव टू रन फास्टर देन यू। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट। आप जब किसी भी सिचुएशन को एनकाउंटर करें, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो उसमें परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी है वो किस किस्म की है, ठीक है?
ओके वील क्लोज हेयर फॉर टुडे. कल हम ये फैक्टर्स पढ़ेंगे सिलेक्टिविटी के, और कल हम इंशाल्लाह फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट मंडे को मैं अनाउंस करूंगा कि आपके 11 चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट का टेस्ट कब होगा. ठीक है जी, चलो सी यू टुमारो देन. ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.